देखो ये व्लॉग लंबे होने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ काटा नहीं, काटने को मैं शॉर्ट बना देता, 7-8-10 मिनट का व्लॉग बना देता, बट उसमें तुम्हें ना वो मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तो क्या हाल है सबके भाई, नए व्लॉग में एक और सेकंड डे, आज हमारा नीत रोली जी नैनीताल पैनीताल जो भी उत्तराखंड वाली हमारा सीरीज का या कह लो कि ये वाला हमारे ट्रिप का आज सेकंड डे है, और सुबह उठ के एकदम ऑल सेट हो चुके हैं हम लोग सिर्फ निकलने के लिए नीत रोली जी बाबा के यहाँ पे। ये कौन आ रहा है भाई रात में, ये पता क्या कर रहा रात में, ये मतलब उल्लुओं की तरह पता नहीं रात में क्या क्या बड़बड़ा रहा, तो मुझे तो लगा एक सेकंड को इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो गई है भाई, बाद में पता चला तो ये कुछ तो कुछ पता नहीं क्या लगी किसी से बातें कर रहा था भाई कि हाँ ठीक है चल आ जा तू। मैं कहा यार मतलब किससे कर रहा बात, तो मैं चुपचाप अबे तो मुझे ये थोड़ी पता है तू क्या ऐसे बोलता है कुछ भी वैसे हो गया ठीक है, तू अलग ही बातें कर रहा था कुछ भी यहाँ पे, तू कल पता कल रात ये पता नहीं कैसी अजीब सी भूत भूत की बातें करके सोया, तो मुझसे तो बचले पर भूत भूत ही हमारे फरार वाले मेरा, मैं तो हिला भी रहा था ना ऐसे करके, मगर शांत तो पहली बार जब मैंने इसको हिलाया ना तो ये ऐसे करा हाँ, अब मैंने कहा यार ये अगर ऐसा होता मम्मी को करो ना यूं करके तो वो और तेज चिल्ला करती, मैं कह यार ये भी ना कर रहा है सबकी मम्मी को होता है, इसकी मम्मी चिल्लाती नहीं होंगी भाई, तो मम्मी हाँ यू करो ना और पहले पूरी भूत बन जाएंगी, और तो इस चक्कर में मैंने इसको हिलाया नहीं, रात में फोन पे बात कर रहा है। अरे देख देखो मैं कह रहा था ना अरे रात में बड़बड़ा रहा था फालतू का, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही, पहले आता हूँ बहुत लेट से, उसके बाद जैसे जैसे करके नींद आई तो सब बड़बड़ाने लगे, फिर फिर सुबह उठने को जल्दी जल्दी कर रहा है 5:30 बजे, कब से अलार्म बज रहे हैं चूतिए के भाई, मुझसे कह रहा तेरा अलार्म, अबे तू ये बता हमें अपने अपना अलार्म नहीं पता होगा किससे क्या है, तू सुबह क्यों कह रहा था कि तेरा अलार्म है अलार्म, उठ के ठंड में जाने ही नहीं चाह रहा कि भाई हम ना उठ जाएं, और फिर सुबह उठ के सब तब भी 6-7 बजे से ये मारा तुझे हराम होती है ऐसा कब मारा धूप की तरह, उठ के पता है कभी यहाँ पर ठंड में यहाँ धूप भी निकली हो रहा, कभी यहाँ के बैठ रहा है देखो यहाँ बैठे चलेंगे जी। हाँ जी पता है 11 बजे कह रहा सो जाओ यार, सुबह 5 बजे चलेंगे ठीक है, ये और पता है कब सोया है, ये सोया कम से कम 1-1.5 बजे सोया है, और साहब सबसे लेट उठाया मतलब सबसे लेट, और बंदा चलो उठ गया, तू जाना ही है, मैं आता रहूँ पीछे आ रहा हूँ, तू नहीं आ रहा तू ना, मैं तेरी कमर में बेड पे लेटा पड़ा सो रहा है, कह रहा तू ना तू हो गया विश्वास, अरे यार विश्वास भी तोड़ दिया, फिर ऊपर से जबरदस्ती की अपनों से इसने तोड़ दिया उसका यार भैया विश्वास नहीं आ रहा मैं आप पे यार, बताओ ऐसे कैसे देते हैं यार हमें आप पे विश्वास है, आप कौन हो तभी तो की नहीं बिल्कुल तुम क्या कौन हो हमारे चलो मिलते हैं यार सीधा आपको नीतू रोली जी, यार रास्ते मिलते हैं ठीक है गोप्रो के साथ, बाय बाय। चलो भी निकलते हैं, अपना पूरा सेट है मामला यहाँ पे, ये अपनी बाइक खड़ी है, अब सीधा निकाल रहे हैं, यहाँ तो चेकआउट हमारी हो चुका है, बात पूरी हो गई है हमारी, अब सीधा निकलते हैं यहाँ से सीधा क्या चीज़ दाम, टाइम हमारा हो गया है 9:15 बज गए हैं यहाँ पे अभी देखो, तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा, जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से शायद 16 किलोमीटर दूर है, और हमें पहुँचने में यहाँ पे 16 किलोमीटर यहाँ के समझ लो 50 किलोमीटर हमें आराम से, अभी सुबह का टाइम है फिर भी हमें आधा घंटा लग जाएगा, अगर जल्दी पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है वेल एंड गुड, नहीं भी पहुंचे तो देखते हैं जल्दी पहुंच के वहां पे अपना दर्शन वगैरह करके फिर अपना सीधा निकलते हैं अपने घर के लिए। चलो गाइस निकलते हैं, चाबी किधर गई, चलो जी कोल्ड स्टार्ट करेंगे इसको पहले अभी, पीछे कौन होगी, पीछे नहीं होगी यार ये, इसका फोटो खींच देते हैं यार, इसका फोटो खत्म नहीं होते, चलो भाई चलते हैं लेट्स गो, स्टार्ट रहनी थी थोड़ी सी थोड़ा सा, हो गए अपन रेडी लेट्स गो, ओ क्या धूप लग रही है यार आज, ऐसा लग रहा है ठंड वाली धूप, एकदम दिसंबर वाली धूप आ गई हो भाई, क्या मजा आ रहा है,
चलें, लेट्स गो बेबी। मेरी आदत है स्टैंड चेक करने की, मेरी बहुत फटती है अगर स्टैंड लगा रह जाए तो भाई डर लगता है बहुत, इसलिए भाई मैंने ये पहना है कुर्ता आज। देखो तो क्या मस्त मैचिंग हो रही है ना, शूज़ वही हैं यार। यार लोग कह रहे होंगे कि तू यही शूज़ क्यों पहनता है भाई, हर फोटो व्लॉग में तुमको यही दिखता होगा। भाई मेरे पे है जूते, बट चीज़ क्या है कि वो ना गंदे हो जाते हैं यार। अब ये ब्लैक ही नहीं होते और ये कैनवास हैं, तो इनको मैं ईज़िली वॉश भी कर लेता हूँ मैं इनको, तो मेरे को कंफर्टेबल है ये और बाइक पे सही है सबसे बेस्ट, तो इसलिए मैं ये पहनता हूँ। बाकी जिसको जो जैसा लगे भाई। भाई अब तो मैं दिखाता हूँ, लो मैं ये पता नहीं अपनी हैंडमेड बोट है क्या है भाई। लो भाई ये है तुम्हारे सामने पूरा का पूरा जो है, ये लेके है भाई जाके देखो। तुम्हें तारे के लिए आज मैं तेरी वाला दिखाता हूँ, देखो एक चीज होगी तारे गिन गिन याद में तेरे। एक मिनट चश्मा दे, एक सेकंड दे, दे खेच दूंगा फोटो, चश्मा नहीं देता मुझे। तारे गिन गिन याद में तेरे, मैं तो जगा रहता। अभी प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कौन सा एंगल लेना है। अब गोरा आ रहा हूँ देखो मैं, तो यही तो है मेरा असली लुक, यही तो हूँ मैं हूँ ही गोरा। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? चलो यार चलते हैं, लेट हो रहे हैं, मुझे देख रहे हैं ये लोग, फिर बोलेंगे हाँ तू यही करता रहे। वो बत्तख भी हैं। स्टैंड लग चुका है गाइस, पीछे इसमें देख लेता हूँ कोई नहीं आ रहा, लेट्स गो। कल दिखाऊं कहाँ से खाया था हमने, हमने खाना कहाँ से पैक कराया था। देखो हमने इसमें से कराया था वैरायटी स्वीट्स में, भाई बहुत जबाब जबाब था एकदम बढ़िया भाई। कैची दाम ब्रो, कैची दाम सीधा आ जा सीधा ही। यार मेरे को सिर में दर्द जैसा लग रहा है क्या यार, व्हाट द फक ब्रो, आई रियली गॉट दैट हेडेक पूरी रात भर से। फक मेरे को क्यों फील हो रहा है अभी से। यार रास्ते क्या मस्त, मुझे पता है कितना मज़ा आ रहा है, मैं तुम्हें ना शब्दों में बता नहीं सकता भाई कितना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ चलाने में। मतलब भाई मतलब और किसी ली थी ये बाइक ऐसी जगहों पे तो आने की, यार देख रहे हो तुम इधर ये रोड चल रही है, क्या मस्त रोड है भाई, ना ट्रैफिक ना कुछ, बड़े प्यारे ना कोई ज़्यादा, मतलब ठीक है छोटे मोटे एक दो गड्ढे चलते हैं बट इतना कुछ नहीं है। भाई ये व्यू देखो यार तुम, ये व्यू देखो भाई क्या मस्त व्यू है, उधर वो पहाड़ उसके पीछे पहाड़ सब में, मतलब समझ रहे हो तुम, देख रहे हो, देखो भाई अब देखो। पागल है क्या? A few inches later. मैं ये लोग निकल जाएंगे, मैं रास्ता भूल जाऊंगा अपने व्लॉग के चक्कर में, ऊपर से उनके हाथ पे और लग जाता, वो मेरे को देख रहे घूर के कि तू यही कर ले पहले, तू व्लॉगिंग कर ले व्लॉगर। बट कोई नहीं यार अपने को तो करना है ना, अब अकल गवार तो हुई मैं चूतिया, पहले पीछे देखो ना तब आज दिखाऊंगा ना, नवाब पंथी दिखानी है ना पहले अपनी, जाहिल पंथी गवार कैसे कहलाऊंगा फिर मैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 172 पे चले थे ना अपने घर से, हम वो घर जा रहा हूँ अपने होटल से, हाँ। ये हो गया 182 183, और वहाँ से 16 किलोमीटर बता रहे थे, तो यार 10 तो आ गए, तो 6 यार इसके पीछे इतना रहता हूँ ना मैं, बिल्कुल कम डिस्टेंस पर सारी छीट आ जाती है मेरी टायर से उसकी उड़ के। दो बार आ गई यार, इस बार शायद नहीं आई थी, इससे पहले वाले पर आ गई थी, बट मेरे यहाँ पे फील हुई है जगह पे आई तो है। आए हाय 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 हाय, कैची दाम सीधा ही दिखा रहा है भाई, क्या कर्व्स हैं भाई, मतलब मैं सही बताऊँ इसी भी और मतलब मैं कब ले लेता, मतलब ये बाइक पर तो भाई मतलब अलग ही मज़े हैं। और अंगूर यार सही है, मतलब तेज़ चलानी पता है मतलब गलत ही है यार, जानवर सामने से बचाने चक्कर में कहीं पता चला, समझ रहे हो। ओए बनी है बनी है वीडियो बनी है, पोर्ट्रेट करके वीडियो बनी हो। मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बस
रख ले अपने पास। वहां जाना है क्या नीचे? तो मजा आ जाएंगे भाई, फिर तो मजा आ जाएंगे भाई। मैं 9:30 बज गया, ऑलमोस्ट पूरे 9:30 बजे सही टाइम पर आ चुके हैं, एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट टाइम पर दर्शन भी एकदम प्रॉपर मिल जाएंगे वहाँ। भीड़ है लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि ट्यूसडे है ना, तो इस चक्कर में भीड़ रहता है, वरना इतना होता नहीं। कुछ देखो है काफ़ी भीड़ है भाई, बनाने मिल गई बिल्कुल ही, मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल भी एकदम था कि कुछ नहीं बनाओ। तो मैंने बस जितना कर पाया वहाँ तक, आपने देखा था, उसके बाद बाहर आ गया दर्शन करके। अरे देखो झरना वगैरह यार भाई, ऐसी प्यारी सी जगह में पहाड़ों के बीच में, ये मत देखो पहाड़ों के बिल्कुल प्रॉपर वही बीच में नीचे, और यहाँ पर स्थित है ये मंदिर नीतरोली महाराज जी का, क्या मस्त है भाई। लाइन में भीड़ है लेकिन लाइन वाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया था। चल आ जाओ, आ जाओ, तेरा हो गया फोटो, बढ़िया हो गया तेरा भी एकदम सही, पता नहीं मगर यार देख मैनेजमेंट सही है, लेकिन अगर वो मना भी कर रहे हैं किसी चीज को दर्शन नहीं होंगे उनकी चीज। देख इतनी भीड़ है, उसके बावजूद ये लगा कि हमें भीड़ में भाई चलते गए होटल, अब जरूरी थोड़ी कि बिल्कुल रुक के तुम वो कर रहे हो, उसमें तो ये है कि भाई कितनी देर खड़े रहो, फिर तो मन में आ रहेगा ही नहीं। चलो अपने यहाँ से बैग वैग उठाते हैं सीधा, यहाँ पे हमने बैग रखा था, हेलमेट रखा था, वो ऊपर ऊपर सब रखा था भाई, अपना पूरा सिस्टम ये वाली दुकान पे सामने, ये अंकल खड़े हैं देखो ऑरेंज टी शर्ट में, यहाँ से लेते हैं एंड अपना सीधा इनसे छाए हुआ है, और अपना बैग छुपा के रखा था मैंने गोप्रो के चक्कर में, ये वाला हेलमेट, ऊपर हमारे शूज हैं इधर जाके, और पहले शूज ले लेते हैं, हाँ ले लेंगे इनसे ही, चलना शूज तो पहन ले, पहले शूज पहन ले, शूज पहन लो, कहीं जाना थोड़ी है। आओ देखो भाई देखो, ऊपर से दिखाऊं कुछ दिखे, अगर देखो यार दिख नहीं रहा यार, ऐसे देख लो यहाँ की स्ट्रीट देख लो, शॉप देख लो, बढ़िया है, मतलब शूज हम नहीं उतार दिए अपने, देखो हमारे भाई के शूज दिए रहे ओपी शूज, दिस इज हाउ आई लुक, बॉडी वॉडी थोड़ी सी दिख रही होगी, बाकी पूरा आउटफिट ऐसे ऐसे दिख रहा हो तो दिख रही, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, शूज पहन ले अपना चलते हैं फटाफट से। एक मिनट रुकता हूँ, शूज पहन के मिलता हूँ सीधा, प्रसाद वगैरह रख के, क्योंकि हाथ गंदे जाएंगे तो मुझे प्रसाद ऐसे कैरी नहीं करूंगा ना मैं, ठीक है एक मिनट दो बस। One hour later. मेरे तो चार्जिंग का जुगाड़ देख लिया अपना, देखो मेरा GoPro चार्ज हो रहा है, सबसे पहले मैं अपनी इन चीजों का ध्यान रखता हूँ कि ये चार्ज हो रहा है, ठीक है अपना ये हेलमेट रखा है, अभी फोन मेरा कितना चार्ज है, फोन मेरा 83% चार्ज है, आवाज मेरी नहीं आ रही, इसलिए बाजू करके बोल रहा हूँ फोन। अरे कहना क्या चाहते हो? 10 seconds later. छोले भटूरे ऑर्डर करें, तुमने भी वही करा है, अरे तेरा भी वही है, लो जी लो मेरा तो आ गया भैया, छोला भटूरा, छोला भटूरा, तो अबे तुम्हारा फूला फूला आया है भाई, मुझे नहीं पता था कि नहीं, वो लगता है अबे तेरा तो आया है फूला फूला, ये सिनेमेटिक ले रहा हूँ चाय की चुस्की के, चल चल मार मार मार, तू भी मार तू भी मार चाय की चुस्की का। ये भाई हम लोग आए थे नीतरोली बाबा के यहाँ पे, दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे, अबे नीव बोला मैंने, नीव मैंने नहीं बोला भाई, ये बना रहा है, हाँ अच्छा किसका नीव, तो हुआ ये मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, हमारा सीन था प्रॉपर हमारा नैनीताल जाने का, ठीक है हम घर से ये सोच निकले थे कि नैनीताल जाएंगे, और ये था कि हाँ भाई रास्ते में फिर अपने नीतरोली जी का महाराज जी यहाँ नीतरोली महाराज जी के आके दर्शन कर लेंगे, ये वो ठीक है, ये हमारा सीन था। और सोचो हुआ क्या कि हम नैनीताल गए नहीं, नैनीताल का रास्ता रहा पहाड़ से ऊपर, हम राइट कट गए भीमताल के लिए, मतलब उसी टाइम पता चला कि इसके जान पहचान वाला हुआ किसी का होटल का, तो हम उसमें रुक लिए हैं भाई,
और वहाँ रुक लिए और वहाँ रुक के पता चला कि दीप रोली बाबा जी का यहाँ से 16 किलोमीटर दूर था और हम 16 किलोमीटर दूर आ गए और हमने दर्शन भी कर लिए। और मैंने अब रियलाइज करा कि ये भाई हमारे दर्शन लिए थे, सोचो हम नैनीताल के लिए गए, क्यों नैनीताल के लिए निकले थे प्रॉपर, हम एक हफ्ते पहले प्लान कर रहे हैं नैनीताल जाएंगे, घूमेंगे नैनीताल में, मजे करेंगे, वहाँ स्टे करेंगे, रात में वहाँ पे बोटिंग वोटिंग रहती है ना कुछ वो करेंगे और ये सब चीज़ें, हाँ वो सब ये था। और ये हमारा ऐसा था सेकेंडरी ऑप्शन कि हाँ यहाँ पे टाइम मिलेगा तो आते हुए चले, ऑप्शन में रहा था कि अगर टाइम मिला तो आते हुए चलेंगे। और भाई सोचो सीधे इधर आए और पता है क्या हो रहा है सीन, अब हम नैनीताल भी नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं सीधा घर। टाइम अभी हो रहा है 11:30 बज गए हैं, अभी भी निकलेंगे तब भी ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे, शाम हो जाएगी पहुंचने में, क्योंकि यहाँ से काफी दूर है, 170-180 किलोमीटर है। ओके आ गए वापस पार्किंग में एंड अभी निकलते हैं, सूरज किधर है, सूरज गिरा, अभी निकलते हैं सीधा बैक टू होम। क्या कुछ तो आ रहा है ये भाग बहुत सारी आगे, ये रही अपनी ब्यूटी, इधर ही रहती है बेचारी, है चले निकले, ये लोग किधर गए, चलो उधर है, चलो निकलते हैं सीधा मधे के साथ, चलो भाई निकलते हैं। वो रहा हमारा केची धाम, वहाँ पे था, अब वहाँ से निकलते हैं, एक जगह रुके थे थोड़ा रेस्ट के लिए, लेट्स गो। चलो भाई आओ, स्टैंड चेक कर लिया, ओके ओए ओए, स्किट कर गया था टायर, स्किट मतलब हल्के से उसमें, ये क्या है, एक एक्सेलरेशन है इस बाइक का, बहुत हल्के से गया था फिर भी स्किट कर गया, थोड़ा सा और हाथ बैठाएंगे बाइक पे। देखो ये व्लॉग्स लंबे होने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ काटा नहीं, काटने को मैं शॉर्ट बना देता व्लॉग, 7-8-10 मिनट का व्लॉग बना देता, बट उसमें तुम्हें ना वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर व्लॉग लंबे लग रहे हैं तो मुझे बता दो कि थोड़ा शॉर्ट बना ले, मज़ा नहीं आ रहा कुछ भी है कि यार ऐसी ये चीज़ मत कर, थोड़ा है ना समझ लो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन तुम मुझे देना चाहते हो तो तुम बता सकते हो, सही लगेगा तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा सुधार करने के लिए, एंड बाकी मैं इग्नोर कर दूँगा। मिस्टर शेफ बेकरी एंड कैफे, इधर रुके हैं खाने के लिए कुछ चाय, अब कुछ ऑर्डर तो कर दो, क्यों रुके हो तुम, ओए भाई कुछ ऑर्डर, वही वाला कॉलेज है क्या, मुझे वही लग रहा, तू बता रहा था जो वही है क्या, ये शूटिंग जो हुई थी जिसकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन सी है, फर्स्ट वाली, भाई देखो ये है यार, मेरे को कंफर्म नहीं है, ये कह रहा है तो मैं मान ले रहा हूँ, ये मुझे कुछ याद ही नहीं कि उसमें ऐसा दिखा था, ये क्रिकेट ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड, हाँ फोटो देख गूगल पे देख, बास्केटबॉल किधर है, अच्छा वो होता उसमें तो पीटी चल रही, दिखाता हूँ ये लो जी बास्केटबॉल कोर्ट, भाई जूम तो हो गया मेरा, इनका नाक का छेद देने लगा इन लोगों का, देखो 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 पता कैसे सर्च कर रहा है, उस पर गूगल पर डाल रहा है बुड्ढो की तरह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग कहाँ हुई थी, कल हमने इससे पूछा नीपरोली महाराज जी का, वो देख उनका यहाँ पे उनको उनका मंदिर स्थित है, तो कह रहा नीपरोली जी का मंदिर यहाँ पे क्यों स्थित है, 5 रीजन के साथ बताइए, ऐसे करके कह रहा उसमें गूगल पे, यार ये बंदा भाई कजाकिस्तान में MBBS कर रहा है बाहर, ठीक है कंट्री से बाहर, इसकी हरकत देख लो तुम कौन टाइप करे, और तेरा सिनेमैटिक लूं मेरे ब्लॉग में देख लियो, देखो गाइस सिनेमैटिक ये लो जी लो भाई, एक ही ऐसी खड़ा था मूर्ति चूतिया साला, इतनी देर से ऐसी खड़ा है मैं, जब से घूम के इधर आ गया, पीछे से आ थोड़ा पीछे से आऊं, चलो अच्छा मैं आऊं रुक जा, अच्छा प्रॉपर वो लाऊं प्रोफेशनली, तुम ये ले ऐसे लाऊंगा पैर से, चल अबे यार बकचोदी, अरे पोर्ट्रेट है वाला, चल ना चल, ये जाओ उधर जाओ उधर, रेलिंग पे जा रेलिंग पे जा, वो तो हम खाना लगा देंगे आगे रेलिंग पे, चलो जल्दी से साले को अपना चाहिए, यहाँ पे मेरा व्लॉग दिन दिख रहे थे यार, पहाड़ों में इतना अलग ही मजा, मतलब जो यहाँ के लोग रहते हो उन्हें मजा नहीं आता भाई, पहाड़ियों तुम्हारे साल हो तुम इतनी अच्छी जगह रहते हो, तुम्हें क्यों आना है इधर उधर, और ये मैं गाइस यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ हाई मौसम देख रहे हो तुम, कोई ऑर्डर कर दे जल्दी से फटाक से फिर चलेंगे घर, टाइम हो गया ओ
कुछ ऑर्डर कर दे जा। चलो भाई। A few inches later. ये देखो। मतलब दिल खुश हो गया, मजा आ गया यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है कि क्या मस्त जगह पे आ गए हैं यार। बट स्टिल ऐसे फैमिली के अलावा मैं अकेले ही आया हूँ पहली बार, तो और वो भी पहाड़ों में, तो मुझे इतना मजा आ रहा है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। उससे भी मेन चीज ये कि मैं पहाड़ों में मतलब पहाड़ों में भी जो है मेरा, मैं शायद बचपन में ही आया था, उसके बाद से मैं अब आ रहा हूँ। और ये देखो सब छोटी छोटी चीजें यार, मतलब कैमरे में तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है व्लॉग में, आई नो आ रहा होगा, काफी अच्छा चीजें दिख रही है, बट छोटी छोटी है, आप जूम करके देख सकते हो व्लॉग को। चलो हो गया अपना, एंड मिलते हैं अभी आगे और कहीं पर रुकेंगे तो। एक बेनिफिट तो है भाई, देखो मैंने बाइक बंद कर रखी, इग्निशन ऑफ है, ठीक है भाई। कब से कम 5 किलोमीटर से ऐसे ला रहा हूँ, देखो मैं नहीं चला रहा हूँ कभी, सोचो देख लो। अरे कहाँ आ रहा है भाई, बारिश स्टार्ट हो गई गाइज। अभी हम लगभग रामनगर से भी 20-25 किलोमीटर दूर हैं, तो मैंने तो बस बैग पैक कर लिया, मैं थैली लेकर आया था अपने दुकान की, और ये रोप रखी थी जिसपे कपड़े सुखाते हैं घर में, मम्मी से मांग के लेकर आया था मैं, तो मैंने सुखा लिया, वो सुखा ली कर रहा हूँ, मतलब इस पर बांध दिया है मैंने, सब कर दिया। और यार एक चीज हो गई यार, देखो मेरा बैग ना इसमें लग, मैंने यहाँ टांगा था भाई, यहाँ लग गया बैग, पूरा बैग जल के घूम के अंदर तक छेद कर दिया, और मेरे अंदर ईयरफोन रखी थी वो भी जल गई भाई। अब हम जाएंगे सीधा अपने अपने घर, ये तो छोड़ेंगे काशीपुर, ये काशीपुर चले आएगा, ये बिजनौर चले आएगा, वहाँ छोड़ के, और भाई मैं निकल जाऊँगा इस्लामाबाद, क्योंकि बारिश ऐसी पड़ रही है, मम्मी की कॉल भी आई कि रात से पहले आ जाओ, और टाइम अभी हो चुका है 4:30, तो पहुँचने में भी 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो वही 6-7 बज जाएंगे, 7 कम से कम, तो इसलिए पहुँचते हैं सीधा घर पे मिलूंगा, अगर हुआ तो कहीं बीच में तो मैं फिर देखते हैं बाकी। चलो ओके बॉयज, तो अपन निकलते हैं भाई, इस्लामाबाद का रूट ये हो गया, इधर इनका काशीपुर इधर हो गया, ये शांत इसको काशीपुर छोड़ता हुआ जाएगा, और ये देखो काशीपुर इधर है ना, तो ये इसको छोड़ता हुआ जाएगा यहाँ से। अब मैं इधर निकल जाऊँ डायरेक्ट, तो अपन इधर ही अपना करते हैं। ओके सर, मिलते हैं फिर कभी किसी और अच्छी ट्रिप पे। ओके सर, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, बाकी एक ट्रेन मंगाते हैं तीनों भाई, एक बार लास्ट बार मिलेंगे फिर किसी और तरीके। हम तीनों का जो ड्राइव है ना भाई, केएची धाम, अब की बार मिलेंगे और अच्छी जगह पे, बढ़िया कहीं साल के बारे में ना, मतलब और अच्छी जगह, मतलब और भी अच्छी जगह, और भी तुम बात को ना वो मत किया करो अपना बोल के कुछ भी, ठीक है ना। ओके सर, चलो ओके भाई, चलो भाई ठीक है, टेक केयर, आप पॉजिटिव फोन कर देना, ठीक है, चलो। 1 hour later भाई ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, और मैं आ चुका हूँ घर पे, उसके वास्ते मैंने ब्लॉग नहीं किया कुछ भी, मेरे गोप्रो का मतलब जो स्टोरेज है, लाइक एसडी कार्ड जो है वो मेरा फुल हो चुका था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया, और बाकी फोन में मेरी बैटरी 8% थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा घर लाइक 70 किलोमीटर दूर था, तो मैं नहीं चाहता था मेरा फोन डेड हो, ऑल्दो मेरे बाइक में चार्जिंग का केबल मतलब जो भी है वो पॉइंट दे रखा है, बट स्टिल मेरा मन नहीं था, मैं बहुत टायर्ड हो चुका था, उसके बाद से फिर अकेले जा रहे तो भाई बोर, और ऊपर से थकावट इतनी हुई थी। तो अब मैं आया हूँ, लगभग बज रहे हैं 7:30, तो अब आके बस मैं सोने जा रहा हूँ भाई। एनीवेज मिलते हैं किसी और दिन एक अच्छे व्लॉग में, और मेरे को बताना कि डेली व्लॉग चाहिए नहीं, डेली क्या यार छोड़ो, डेली में क्या ही देखोगे तो मेरी लाइफ में, बट हाँ मतलब जब भी मैं कहीं राइड पे जाऊंगा या बाइक निकालूंगा, मतलब जब भी कभी भी कहीं जाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं व्लॉग करूंगा। और उसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा है तो भाई मतलब लाइक कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी मजा आया हो और दिखा है तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यहाँ तक आ चुके हो तो, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, मजा आएंगे अच्छे, धीरे धीरे करके मैं भी सीखूंगा चीजें और अच्छे से और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दूंगा। और बाकी तुम आके देख लो भाई, मेरी शायद दिख रही हो अगर तुम्हें तो लाल हो रही है यार, और बस मैं थक चुका हूँ इधर ही एंड करके, बस मैं सो रहा हूँ, एडिट कर दूंगा बाद में कल वाली को, और परसों तक व्लॉग आ जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा हैक्टिक है स्केड्यूल, तो कर दूंगा मैं एडिट, परसों तक व्लॉग मिल जाएगा गाइस। तो करते हैं इस व्लॉग के जरिए एंड, और मिलते हैं फिर किसी और दिन एक अच्छे व्लॉग में, बाय बाय।